राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीसी क्षेत्र के बड़म्बा गांव से ही, और बार बार इसी गांव से और ऐसे कार्य को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि अपने लेवल पर कार सेवा जिस प्रकार से होती है ना, वैसी कार सेवा इस गाँव के लोग, पाना खास पंचायत पांदड़ी के लोग और सरपंच मिलजुल के ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि पूरे पंचायत को, दोनों पंचायतों को शुद्ध जल मिल सके, और उस शुद्ध जल के लिए लगातार प्रयासरत जुटे हुए हैं। आप देख सकते होंगे पीछे ग्रामीण रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, और हम उस लाइन के साथ में खड़े हैं, दिखा दे थोड़ी इधर घुमा के भाई, उस लाइन के साथ में खड़े हैं जहाँ से पानी, वाटर सप्लाई जो है ना डिग्गी के अंदर जाती है। और अब यहाँ आगे की तरफ बता रहे थे सरपंच साहब भी हैं, आ जाओ जी, ये देखो भाई, कसी ठाई एक सरपंच, एक प्रिंसिपल, एक पूर्व सरपंच और पंचायत के जो मेम्बरान है वो सभी लगातार देख रहे होंगे इस लाइन के ऊपर, लगातार रात भर से ही दौरा कर रहे हैं, रात से ही जुटे हुए हैं। और एक तरफ, दूसरी तरफ जहां दूसरा जलघर है उसके अंदर वाटर टैंक जो दूसरा है उसके अंदर सफाई का कार्य में लगभग 500 से 600 आदमी जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी जो बात है, मैं तो ये कहूँगा कि लगातार इस तरह के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी। एक बार फिर कुलदीप सरपंच, कुलदीप सिंह राठी, गांव बड़म्बा पाना खास के सरपंच, पूर्व सरपंच कृष्ण चंद्र शर्मा जी, साथ में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश शर्मा जी, और भाई सुरेश शर्मा समाज सेवी भी, पूर्व सरपंच भी, सारी चीज़ें तमगाइन का दौर है। लेकिन कस्सी ठा के लगातार, ये आप देख लो भाई, कस्सी ठा के लगातार पूरी रात ने इस पानी के ऊपर जुटे हुए हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम पवन भाई और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सरपंच साहब लगातार जुटे हुए हैं, पानी जब से आया है तब से मतलब भगदड़ मची हुई है, क्या कितना पानी आ चुका है टैंक के अंदर अब तक? भाई साहब भगदड़ तो देखो कई दिन से मच रही है, पानी की समस्या, किल्लत इतनी हो रही थी। फिर कल हमने पता लगा था, क्योंकि कल भी हम टैंक में लग रहे थे, पहले भी आप आए थे लगातार, आज नू मान लो पांचवा छठा दिन हो गया ट्रेन की सफाई कर दिया ने, और कल हमने पता लग गया था कि नहर आया आ गया आज रात ने, तो 11-12 बजे आमदनी थी नहर की, इस कारण हम मतलब पीछे से भी संभाल के होकर किले आए। हाँ अच्छा, एक जो ये इनलेट चैनल है जो गवर्नमेंट का, पब्लिक हेल्थ का, जिसके तहत मतलब रूटीन में सप्लाई या पानी इसके अंदर डलना चाहिए, वो तकरीबन 3 साल से 4 साल तक ब्लॉक है। उसकी कारण है मान ले पानी इसमें तो पहुँचने नहीं पाता, सारम रहती रहती भरी पड़ी है, महकमती कई बार कह भी ली। इसी वेज में हमने जैसे परली साइड में अपने ऊपर दिखाऊंगा मैं, यहाँ आते लेकर 10 किले वहाँ पर जो रजवाया तक है, उसमें अपने जो पूर्व सरपंच थे समुंदर सिंह राठी, उनने एक लाइन दबाई थी ताकि पानी मान ले अपना टैंका ती पहुँच जाए गाँव, इस मामले में तेसाया ना मरे, क्योंकि इनका भरोसे तो ये चल रहा है, कुछ भी नहीं आना। और उसके अलावा परली साइड में नाली भी खोद के ला रहे हैं, उसमें वहाँ तक मतलब परमिशन लेके रजवाए में तो डाला माइनर में थे, और यहाँ पर बर्मा लगा के जब होता न भरा, तो किल्लत यह चल रही थी कि मान ले बार बार मान ले भी या सफाई भी करवाई, हर जगह ये टैंक भी नहीं भरे गए, तो समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। मतलब जो खोबात करी है वह जीरो। हाँ जीरो हो जाएगी, जब मान लें सफाई का क्या फायदा, को पानी घुटना का लगी तो। सरपंच साहब जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिस लाइन के हम साथ खड़े हैं, जिसमें रात भर हो गया घुटते हुए, लगातार जुटे हुए, उसमें अब तक शायद पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये रद्द हो चुकी है। जो प्रशासनिक अधिकारी जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जहाँ तक जिनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, वो इस लाइन को शायद बदलवाने का काम करना चाहिए मुख्यमंत्री से या सांसद से, या यहाँ के जो लोकल जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं सरकार के, उनसे आपको मिलना भी चाहिए। एक बार नहीं मिली है जी, यह बात यह इसी तक की नॉलेज में है, और अभी भी एक हफ्ते पहले हम फिर गए थे, मास्टर जी भी थे, पूरे मतलब पंचायत गई थी एससी साहब के पास, और इससे एक साल पहले तो मतलब ये कह दिया था 2 दिन के अंदर बदलवा देंगे, लेकिन वो एक साल भी गुजर गया, और अब भी मान ले उनके जय भरोसा रहा तो पानी की घुट निकल है। ये भी इस कारण थे कल नया मतलब पंखा, नया इंजन पंचायत की ओर से ले आए हैं, ताकि मतलब इन्हें ओद भर सका। और बाकी सप्लाई खातर जो लाइन है, लाइन में जब कल शाम से पानी चले आया, अब तक एक बूंद पानी की नहीं पहुंची। ये आप इसके ऊपर चढ़ के देख सको, जो एक बूंद भी पानी पहुंचा उधर ना पहुंचे इसके तहत, क्योंकि सारा ब्लॉक होया पड़ा, रेती रहती भरी पड़ी, आज तक इसकी सफाई नहीं करवाई गई है, महकमा बुरा हाल है। तो जैसे सरपंच साहब जो ये इनलेट लाइन है, इसकी सफाई का भी कोई प्रोविजन या कोई समाधान ऐसा है जो ये पाइप साफ हो जाए ताकि आगे पानी बढ़ सके? प्रोविजन के है महकमे के अनुसार, पब्लिक हेल्थ में जैसे ही नहर आती है ना, उससे पहले सभी औद्योगिक रेती कटवानी होती है, लेकिन आज तक कटिए नहीं, वो
और इसमें जो मान लिया मैंने एक्शन साहब भी आ रहे थे मनोन्दी मौका भी दिखा रहा, जो स्टार्टिंग के जो 10-12 पाइप है ना जो बिल्कुल चौक हुए पड़े हैं वो एक बार पाटेंगे, पाट के नए सिरे तो रखे हुए हैं जाएंगे, और उसके अलावा अगर पानी चल लगा तो इन पाइपों में जड़ जड़ाई दी रहती है एक बार वह कंटिन्यू चल दी हो जाएगी, फिर पानी पहुँचने लग जाएगा। लेकिन इस ओर मैं एक माध्यम नहीं है, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँ मैं कहते हैं देखो बहुत बड़ा गांव है और यो गांव का सहयोग है जिसके कारण आज चल रहे हैं, ना तो मैं कह भरोसा कुछ नहीं था गांव तो सहा मेरे पहले तो मरने लग रहे हैं। और मैं तो इस मामले में मेरा मान ली जो भी जितने भी ग्रामीण हैं उनका हाथ जोड़ के तय दिल से धन्यवाद करूँ हूँ कि कंधा तो कंधा मिला के दिन रात और ये बाग आप देख लियो जय दिन भी पानी चल लगा ना नल क्या पड़े रहेंगे अड़को बर्म पे, मतलब ड्यूटी दे हर एक मानस है जिसका कारण एक एक घरती बूंद पानी की पहुँचा है, ना तो मैं कह भरोसा कुछ नहीं है। दर्शक साथियों एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे को पता चले यहाँ आते ही कि किसान जो खेत में पानी देने के लिए जो आता है जिसका नंबर पर ओसरा लग गया है उस किसान ने भी पीने के पानी के लिए अपना पानी छोड़ दिया है, क्यों सर? उन्होंने कह दी जी आ कोई बात कोई नहीं गांव तो साहब रहे गेड़ा हम देने की टाला कर देंगे आप मतलब डिग्गी न भरो आप टैंका न भरो, उनने सारे ओसराले ने भी यह बात कह दी नाली से पैसल दे रखी है उनके ओसरे चल रहे हैं आज, लेकिन उनने न्यू कही भाई नलके नलके घेर के ब्रह्मा लाए गए क्यों करे भी होता ना भरो खेत ताला तो अगले उसमें भी ठह जाएगा अपने, लेकिन गांव तक नहीं पहुंचा तो समस्या बन जाएगी। चलो सुरेश कुमार जी हमारे साथ नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी दर्शक साथियों ने गांव बड़म भाई तरफ से सबको नमस्कार जी। सुरेश जी जल ही जीवन है, जल है तो कल है, आज जल नहीं है मतलब इतनी भारी समस्या इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर नदियों का देश कहा जा है, लेकिन एक एक बूंद के लिए तरस गए लोग, कारण क्या मानते हैं इसको? कारण ये है कि प्रशासन समय पे देखभाल नहीं करता, ये 3 साल से लाइन बंद है जो इनलेट चैनल है, अगर समय समय पे इसकी सफाई होती तो इनलेट चैनल बंद नहीं होती। 3 साल पहले इनलेट चैनल बंद हो गए थे, ग्रामीणों ने पिछले सरपंच ने अपने स्तर पे ग्राम के स्तर पे अपने निजी कोटे थे 1-8 इंच की लाइन दबाए रखी है, उससे पानी ग्रामीण अपने निजी प्रयासों से अपने खर्चे से पानी टैंकों में भरते हैं जिसके कारण टैंक पूरे नहीं भर पाते, उसकी भी पेमेंट नहीं हो और उसकी पेमेंट नहीं हुई, बार बार प्रशासन से गुहार लगाई गई। पीछे भी हम 1 हफ्ते पहले ऐसे हिसाब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि पेमेंट जल्दी करवा देंगे परंतु पेमेंट आज तक नहीं हुई है। ये तो गाँव वालों का बहुत अच्छा काम है, जनहित ऐसी काम जो सब मिलजुल के अब जब भी नहर में पानी आता अपने खर्चे पे बर्मा लगा के उससे अलग से पानी भरते हैं, इनलेट चैनल से कभी भी पानी नहीं आएगा। और जब गर्मियों के अंदर पानी का इतना गहरा संकट है जो पानी के बिना कुछ भी जीवन सार्थक नहीं हो सकता तो पानी सबसे अहम है, इसलिए गाँव वासियों ने सब ने मिलजुल के सरपंच कुलदीप ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर फैसला लिया कि हम अपने स्तर पर प्रशासन की देख अनदेखी करके, क्योंकि प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अपने स्तर पर इकट्ठा होके निस्वार्थ भाव से सब ने मिलजुल के अपना सफाई का काम किया है, अब पानी देने का काम कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर निर्भर न रह के आप खुद फैसला लिया है कि हम अपना पानी का प्रबंध खुद करेंगे ताकि पूरे गाँव को स्वच्छ पानी मिल सके। तो दर्शक साथियों जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ लगातार गाँव के अंदर सरपंच साहब के जैसे शहरों में बोलते थे टैंकर माफिया हावी होना, हाल फिलहाल में रात रात भर पूरा पूरा दिन टैंकर 20-20 टैंकर लगातार दौड़ते रहते हैं, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा? दुर्भाग्य है जी, शहर वासियों का तो डिपेंड ही खाली उस कैंपर पे हैं, अपना तो पानी के सारे संसाधन हैं जोड़ा अपन नलके सारी चीज़ हैं, लेकिन जब इसमें टैंक में पानी ही नहीं होगा तो घर तक पहुँचा कैसे? वैसे सरकार दावे करती है हर घर नल हर घर जल कहाँ पे है, अगर इस बात का अगर आप अपने गाँव में चल के देखो तो आप हालात देख सको, पशु भी ऐसे पक्षी भी ऐसे अरमान साहब तो मान ले चलो कहना है के है सारा की मतलब इतनी दुर्गति हो रही है या बहुत शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन तो सरकार से निवेदन करूँ हूँ जो आप दावे करने लाग रहे हो तो कम तक कम उन पर ग्राउंड लेवल पर जाके उनकी रिपोर्ट आप कैप्चर करो और उसका समाधान आम जन की सुविधा को सरकार को समझना चाहिए और पीने का पानी जो मूलभूत सुविधा है उसको मुहैया करना चाहिए। पूर्व सरपंच है हमारे साथ कृष्ण चंद्र जी, लगभग 70 साल की उम्र हो रही है लेकिन खखाटा नहीं हो पाटे है दादा का कि मंडिया रहे कसी ले गए जवान बड़का गैल बाजा रहे। दादा जिस प्रकार जो पुराने टाइम में जो अपने कुएं चलते थे कि नया सिस्टम में कुएं चलते नहीं कर लेने चाहिए? पानी उनके पवन खराब हो रही है, चाल तो पड़े तो अच्छी बात है फिर बरदे तक को नहीं लोगे, ये तो भाई भाईचारे तेरे सारा काम चल रहा है, भाई कुलदीप ने भी पूरी अगानी में तो आना ही पड़े है, मैं तेरे को बहुत बेचारा बढ़िया को बात कर रहा है और भाई भाईचारा काम चल रहे हैं। एस सी साहब से मिले थे हम, डी सी साहब से मिले थे, दोनों पंचायत जा रही थी, अब तक तो हो गया करीब कोई सुनाई थोड़ी है। तो दर्शक साथियों लगातार गहरा था जल संकट,
लगातार गहरा था जल संकट, ये जो इंसान के लिए, इंसान जो मनुष्य जाति के लिए बहुत गंभीर समस्या पैदा होने जा रही है, क्योंकि पशु पक्षी और इंसान हर चीज़ जो है ना, जीव की जो चीज़ जिसके अंदर सांस चलता है वो हर चीज़ पानी के ऊपर निर्भर रहती है। और पानी पिछले दादा मेरे हिसाब से पिछले सातवां महीने में पिछले साल बारिश हुई थी शायद, उसके बाद में बारिश नहीं हुई है। इसके पीछे दर्शक साथियों आप सभी समझ सकते हैं कारण क्या है। एक तो बेवजह का धरती का दोहन और धरती को दोबारा से रिचार्ज ना करना। अब बोरवेल सरकार सब्सिडी दे रही है बोरवेल की, तो बोरवेल अपने खेतों में लगवाएं ताकि भूमिगत जल जो है ना रिचार्ज हो सके, जो फालतू का पानी है वो धरती के अंदर जा सके और स्टोर हो सके। उसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हर समय, जैसे अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो आप सबसे भी निवेदन करूँगा और ग्रामवासियों से भी निवेदन करूँगा कि एक आदमी को एक पेड़ अपने एरिया में जरूर लगाना चाहिए, ताकि पेड़ होंगे तो ही बारिश होगी और पेड़ होंगे तो ही छाया मिलेगी, तभी ठंडी हवा आएगी। अब सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं दादा, आग फेंकने लग रही हवा, खूब गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और भाइया तो बहुत खूब आज खड़े हैं, सारी मंडरी है, 12 बजे और लग रही है पब्लिक। सरपंच साहब, जिस प्रकार से तापमान लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। बिल्कुल जी, आपने देखा है वे बीमारियां का इतना प्रकोप हो रहा है, उल्टी दस्त गर्मी से दड़ा, लेकिन करा के नेचर का आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसने सुधारने खातिर मतलब आप ये पेड़ पौधे जितनी हरियाली आप देश का है उसने उतना ही अपना मतलब लाभ मिलेगा स्वास्थ्य को भी और पर्यावरण को भी। ठीक बात है, थोड़ा पाचन चलिए भाई। तो आपने सब ने देख लिया दर्शक साथियों, एक पानी की मारामारी हो रही है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, हर गाँव के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं दिल्ली में टैंकर माफिया, कोई किसी का सिर ठिकरा फोड़े, कोई किसी का सिर ठिकरा फोड़े, लेकिन फिलहाल में ग्रामीणा ने कोशिश करके न टैंक के अंदर पानी डालने की व्यवस्था कर दी है। नींबू पानी बनवा दिया सारा, ना भी लेके जाना गैस जो मान ले गांव में एक धर्म का प्रतीक है, या मंदिर की तरफ से भी मान ले, बाबा जी ने भी यही कही है भाई, ये जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु लाग रहे हैं, जो मेहनत करने लाग रहे हैं, सारे पानी की व्यवस्था है, आप भी पी के जाना। बिल्कुल भाई, पानी की व्यवस्था, मीठा पानी की व्यवस्था तो ग्रामीणों के लिए जो यहाँ पर लगे हुए सुबह से उनके लिए कर दिए, साथ में कम से कम भी 15 पेटी लाडुआ के मंगा दी हैं, जो उड़े कूड़े को ऊपर धरी हैं, दिखा दूंगा आगे चल के, कोई आओगा तो खुआ भी देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।